हेलो फ्रेंड्स, मोबीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नौशाद बुधवानी। मैं 2004 से मोबाइल रिपेयरिंग का इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। इससे पहले मैं टीवी, टैप रिकॉर्डर, रेडियो वगैरह का रिपेयरिंग करता था, यानी कि तकरीबन 20 साल हो गए मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। इस 20 सालों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, पहले के टाइम की सर्किट को रिपेयर करने से कहीं ज़्यादा आसान है आज के टाइम की सर्किट को रिपेयर करना। इसकी वजह यह है कि पहले की जो सर्किट थी वो एक एनालॉग सर्किट हुआ करती थी, और आज के टाइम में मोबाइल और लैपटॉप के जो मदरबोर्ड आते हैं वो एक डिजिटल सर्किट होती है। तो एक एनालॉग सर्किट को आप जो वोल्टेज देते थे तो उसके मुताबिक उसका आउटपुट वोल्टेज आपको मिलता था, लेकिन एक डिजिटल सर्किट जो होती है वो लॉजिक लेवलों के द्वारा अपने वोल्टेज और एम्पियर लेवल को कम या ज़्यादा करके आपको अलग अलग आउटपुट दे सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल सर्किट जो होती है वो फीडबैक वोल्टेज या पावर ग्रिड सिग्नल्स के अलावा के साथ अपना खुद का टेस्टिंग भी करती है और प्रोटेक्शन भी करती है, और इसमें डेटा और क्लॉक सिग्नल्स के द्वारा मदरबोर्ड की सारी आईसी को कंट्रोल भी ये खुद ही से करता है। यानी कि एक स्मार्ट सर्किट है जो स्मार्ट तरीके से काम करती है। तो एक डिजिटल सर्किट को रिपेयर करने के लिए आपको भी स्मार्ट तरीके यूज़ करने पड़ेंगे, जिसके लिए सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज काफ़ी नहीं है, आपको साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भी सीखना या समझना ज़रूरी है। तो मैंने यूट्यूब पे वैसे मोबाइल के काफ़ी सारे वीडियो देखे, लोगों ने काफ़ी कुछ नॉलेज शेयर किया है, कुछ बातें बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ कमी है, तो कुछ लोग मिसगाइड हो रहे हैं जिसकी वजह से। तो मैंने और हमारी टीम ने मिलकर सोचा कि भाई हम लोग एक ऐसा वीडियो ट्यूटोरियल बनाते हैं जिसके अंदर हम पूरा सर्किट का, हार्डवेयर का नॉलेज हम आप लोगों को देंगे, तो शायद हो सकता है कि कुछ आपको हेल्प मिल जाए। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बारी बारी पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके हार्डवेयर पूरा समझेंगे। तो उसके सब्जेक्ट किस तरह से होंगे उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एटम का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, उसके बाद एटम से जो मटेरियल्स बनाए जाते हैं जैसे कि कंडक्टर हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, इंसुलेटर हुआ, तो ये सब चीज़ें बनती है एटम से, और इन चीज़ों से बनते हैं हमारे मोबाइल के पार्ट्स। तो जैसे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का यूज़ करके मोबाइल के जो कंपोनेंट बनाए जाते हैं, जिस जैसे हमारे वहाँ जैसे सर्किट के अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉस्फेट हो गए, फिल्टर, ऑसिलेटर, आईसी, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट मोबाइल में कैसे यूज़ किए जाते हैं, यानी कैसे वहाँ पे वो लगे रहते हैं, वो क्या काम करते हैं सर्किट के अंदर, उनमें अगर कुछ खराबी आ जाती है तो सर्किट में क्या दिक्कत आती है, तो ये सब चीज़ें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। तो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होती है वो अपने लॉजिक लेवलों के द्वारा काम करती है, उसमें लॉजिक लो और लॉजिक हाई का फॉर्मूला लगता है, तो वो कैसे काम करता है। उसके अलावा आई स्क्वायर सी यानी कि आई टू सी सर्किट, तो आई टू सी सर्किट के द्वारा क्लॉक और डेटा के सिग्नल जनरेट होते हैं, और जिससे द्वारा मोबाइल की एक आईसी से सारी आईसी ऑपरेट होती है। जैसे हम मोबाइल के अंदर सीपीयू यूज़ करते हैं, तो सीपीयू मोबाइल के अंदर जितनी भी आईसी है उनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ता है, उसमें डेटा राइट कराता है। तो इस तरह से पूरी सर्किट हमारी कैसे काम करती है, जो हम समझेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। इसके अलावा हम समझेंगे जैसे हो गया ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम फ्लो चार्ट है वो कैसे काम करता है। जैसे मोबाइल के अंदर चार्जिंग सेक्शन है, नेटवर्क का सेक्शन है, टच का सेक्शन है, एलईडी सेक्शन है, ग्राफिक सेक्शन है, कैमरा है, पावर सप्लाई सेक्शन है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जो मोबाइल में काम करते हैं। तो किस तरह से काम करते हैं, उनको कौन से वोल्टेज मिलते हैं, कौन से कंट्रोल मिलते हैं, और कैसे ये सर्किट पूरी काम करती है, और मोबाइल में कैसे ये सेक्शन वर्किंग करती है। तो उसके अंदर जनरली हमने देखा है कि अलग अलग बहुत तरह की सप्लाइयाँ होती है, बहुत तरह के वोल्टेज होते हैं सर्किट के अंदर, जैसे वी पी एच सप्लाई हो गई, वी डी डी वोल्टेज हो गया, वी रेफ वोल्टेज यानी कि रेफरेंस वोल्टेज, वीरैग वोल्टेज यानी कि रेगुलेटर वोल्टेज। तो ये सारे वोल्टेज का यूज़ सर्किट के अंदर किस तरह से होता है, वो कैसे वोल्टेज दे के सप्लाई को इनेबल डिसेबल करते हैं वगैरह सब जो देखेंगे हम लोग। इसके अलावा
बहुत सारी कंट्रोल सर्किट भी होती है मोबाइल के अंदर, और बहुत सारे कंट्रोलिंग सिग्नल भी होते हैं, जैसे इनेबल डिसेबल सिग्नल हो गया, पावर गुड सिग्नल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर समझेंगे, उसके बाद हम डायग्राम रीडिंग करेंगे। तो डायग्राम रीडिंग से हम अलग अलग तरह के मोबाइल में जो फॉल्ट आते हैं उन फॉल्ट को बहुत इजीली कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह का कोर्स है पूरा, कि जिसके अंदर आपको पूरा नॉलेज इसका दिया जाएगा, यानी आपको सर्किट रीडिंग पूरा कम्प्लीटली आप करके फॉल्ट को फाइंड कैसे कर सकते हो, और कम से कम समय में अच्छे से अच्छा रिपेयरिंग कैसे करना है बिना डैमेज किए हुए। क्योंकि आजकल के टाइम में मैंने देखा है ज़्यादातर लोग इधर उधर आईसीओ पे हीट मार दिया, ये वो कर दिया, और बाद में कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है, उल्टा सर्किट बिगड़ती ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको सर्किट का प्रॉपर नॉलेज है, अगर आप सर्किट के अलग अलग सेक्शन को, अलग अलग फंक्शन को, अलग अलग वोल्टेज को समझेंगे, तो एग्जैक्टली आप फॉल्ट को पकड़ पाओगे कि फॉल्ट कहाँ पे है और उसको कहाँ से रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं इंट्रोडक्शन को यहाँ पे एंड करता हूँ और हम आगे समझते हैं हमारा पहला पार्ट्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स।